नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि किस तरह से आप अपने इलाहाबाद बैंक का बैंक बैलेंस देख सकते हैं घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। किस तरह से आप अपने बैंक का अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं घर बैठे मोबाइल की मदद से, वो भी एक मिस कॉल करके आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को आप नहीं भी डाउनलोड करेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए मैं आप सभी को बताते रहता हूँ। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेक, ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल बैंक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐड आएगा, इस ऐड को आप क्लोज करेंगे। तो जैसे ही इस ऐड को आप क्लोज करेंगे आपके सामने बहुत सारे बैंक दिख जाएंगे, जो आपको बैंक सेलेक्ट करना है उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको बैलेंस देखना है। ठीक है, इंडिया में जितने भी बैंक है वो सभी बैंक आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का देखना है तो हमें यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें दिख जाएगा इलाहाबाद बैंक, तो हमें इस पर क्लिक करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक और ऐड आएगा, इस ऐड को फिर से हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। इस ऐड को कट पे क्लिक किया और कट करने के बाद अगर आप एप्लीकेशन को नहीं भी डाउनलोड करेंगे फिर भी मैं आपको बोला था कि आपका काम हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। ठीक है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है, जो आपका बैंक में नंबर दिए होंगे बैंक ओपन करते समय, वही नंबर से आपको इस नंबर पर कॉल करना है, एक मिस कॉल करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर आप कॉल करेंगे ये कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक SMS भेजा जाएगा बैंक की तरफ से, और उस बैंक में उस SMS में आपको बैंक का पूरा डिटेल्स दिख जाएगा और आपका बैलेंस भी दिख जाएगा। तो अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कॉल पर क्लिक करेंगे ये कॉल होना शुरू हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कट भी जाएगा। ठीक है, और अपने आप कटने जाने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा बैंक की तरफ से और उस बैंक का आपका जितना भी बैलेंस है वो सभी दिख जाएंगे आपके एक अपने मैसेज बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपका कीपैड मोबाइल है, ठीक है, अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है तो फिर भी आप इस नंबर को डायल करेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 09224150150, इस नंबर को जैसे ही आप डायल करके कॉल पे क्लिक करेंगे अपने कीपैड मोबाइल से फिर भी आपका बैलेंस दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं इलाहाबाद बैंक का तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है, तो आपको मैसेज में भेज दिया जाएगा आपका मिनी स्टेटमेंट। तो आपको अगर मिनी स्टेटमेंट लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका इलाहाबाद बैंक का मिनी स्टेटमेंट भी दिख जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, और अगर आप कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहते हैं, कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है 1800226016661, इस नंबर पे आपको जैसे ही कॉल करेंगे तो आपके पास एक कस्टमर केयर के संपर्क अधिकारी मिल जाएंगे। तो इलाहाबाद बैंक का बैंक बैलेंस किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट किस तरह से देख सकते हैं, ये सभी के डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।